हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे गैलार्डिया के बारे में बात करूंगी। ये समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये क्या होता है कि फरवरी से स्प्रिंग सीजन से ये फ्लावरिंग, मतलब स्प्रिंग में इसको हम फरवरी में लगाते हैं, फिर ये फ्लावरिंग करनी शुरू करता है और फिर ये आपका वैसे ही मतलब करता ही रहता है, लगाते रहो बार बार। वैसे ये सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। बस इसको क्या है कि ये गर्मी का पौधा है, इसको आप धूप में रखें, अच्छी धूप में रखेंगे तो आपका पौधा अच्छा ग्रो करेगा। अब मैं इस पौधे की बात करूं, मैं इसको बिल्कुल नेग्लेक्टेड, शायद आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा, फुल धूप में बिल्कुल सूखी हुई सॉइल, इसको पानी भी नहीं मैं देती हूँ, खाद भी इसको नहीं हुई। एक मतलब वीट जैसे मैंने बीज उगाए थे और दो तीन गमलों में लगाए थे, इस गमले को मैं भूल गई, पड़ा रहता था ये यूं ही। और पौधा मुझे पता भी नहीं था कि ये गैलार्डिया का प्लांट है। मैं इसको समझा करती थी कि ये डेजी का कोई फ्लावर वगैरह है। तो फिर अब इसके फ्लावर निकले हैं, देखिए। तो इसको ऐसे आप ना फुल धूप में रखें, पानी भी ये ज्यादा नहीं मांगता है। इसको पानी बहुत ज्यादा देंगे तो जड़ें गल जाएंगी, आपके पौधा फूल नहीं देगा। इसको पानी आप कम दें, थोड़ा सा ड्रायर साइड पे रखें, फुल धूप में पड़ा था ये सारी गर्मी। राजस्थान है मेरा, छत पे पड़ा हुआ है और फुल धूप में ये सारी गर्मी इसने निकाल दी। और इसको ज्यादा खाद की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है पौधे को, लेकिन अगर इसका फ्लावरिंग सीजन है। अब जैसे मैंने इसको कोई खाद वाद भी नहीं डाली, इसलिए ये इतना रह गया। अगर इसमें मैं खाद वगैरह डालती और ये पुरानी मिट्टी में ही लगा दिया मैंने, सर्दियों का गमला खाली पड़ा था कोई, और अकेला पौधा था फुल गर्मी में, और खाद दें इसको लिक्विड फर्टिलाइजर जो हर 10-15 दिन में देते हैं, और इसकी मिट्टी जो है अच्छी फुल ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, क्ले सॉइल नहीं होनी चाहिए कि पानी को रोक लिया मिट्टी में, उसमें इसकी जड़ें गल जाएंगी। वैसे इसको ऐसा कोई नहीं है कि बहुत रिच मिट्टी हो या कुछ हो, बहुत सारी खाद हो मिट्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो हम सारे गमलों की सॉइल बनाते हैं उसमें इसको आप लगा दें, और लेकिन वो ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, गमले का ड्रेनेज अच्छा हो, मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा हो, मिट्टी में पानी रुके नहीं। और जब अभी भी इसके फ्लावर आएंगे, अब बारिश में और बड़ा होगा ये पौधा, तो अगर आप इसको धूप में नहीं रखते हैं ना, जैसे ग्रीन नेट के नीचे रख दिया था इसके साथ का एक पौधा, मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये प्लांट भी मैंने लगाया था, ये मैंने ग्रीन नेट में, मुझे गर्मियों के फ्लावर्स का कम इंटरेस्ट रहता है मुझे, क्योंकि पौधों को बचाना ज्यादा रहता है, और इसको मैंने ग्रीन नेट के नीचे पीछे रख दिया था, तो इसमें ज्यादा धूप नहीं पड़ी, तो इसमें भी फ्लावर्स खिले हैं। देखिए अभी ये फ्लावर स्पेंट हो गए हैं, ये मैं इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये बीज बन जाए अब, तो इसमें भी काफी फ्लावर आए हैं देखिए, लेकिन फ्लावर उतने रिच नहीं आएंगे अगर आप इसको धूप नहीं देंगे। और देखिए प्लांट कैसा लेगी हो गया, कैसा देखिए कैसा हो गया, लंबा लंबा सा, घना नहीं है पौधा, क्योंकि इसको मैंने धूप में नहीं रखा। अगर धूप में रखती इसको तो ये पौधा अच्छा घना होके और अच्छे फ्लावर आते इसमें। तो बस धूप में रखें, पानी इसको बहुत ज्यादा नहीं दें, वैसे गर्मी है धूप में है तो रोज दें, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे दलदल हो जाए उसमें ऐसा नहीं दें। खाद जो है 10-15 दिन में एक बार लिक्विड दे दें, बहुत ज्यादा खाद ये नहीं मांगता है। और लाइट और पानी इसकी बात की मैंने, और ये जो इसके ये जो आते हैं ना ये फ्लावर, जैसे पत्तियां गिर गई हैं उसके बाद ये जो जगह बची है, ये जब सूख जाएगा ना तो इसमें से बीज आते हैं, उन बीजों को लें आप, और जैसे देखिए उन बीजों को लें और लगा लें ऐसे, ये जो निकलते हैं ऐसे इनको लें, और कुछ भी ज्यादा नहीं सोचें, बस ये जो लिए हैं इनको ऐसे मिट्टी में लगा दें आप, ऐसे मिट्टी में लगा दें, बस ऐसे करके दबा दें पतली सी लेयर एक ऊपर, और बस ऐसे आपके नए पौधे निकल आएंगे। ये भी मैंने बीज से उगाए हुए हैं, और इसकी कई वैरायटीज आती हैं, बहुत बुशी और अच्छी वैरायटीज चाहिए हो तो बाजार से ये जो पौध आती है आप पौध भी लाके लगा सकते हैं, 10-10, 5-5 रुपए की पौध मिल जाती है। वो थोड़े से टिश्यू कल्चर से लगाए हुए प्लांट्स होते हैं, तो उनमें थोड़े फ्लावर्स कई बार और बड़े और रिच आते हैं, कई कलर में आते हैं, जैसे ऑरेंजिश है, रेडिश आता है, शेड ऑफ रेड और येलो आता है, बिल्कुल वो जो अभी मैंने बड़ा सा पौधा दिखाया था उसमें मेरे बिल्कुल येलो फ्लावर्स आ रहे थे, लेकिन मैंने उसे धूप में नहीं रखा तो
प्लांट लगी था फ्लावर थोड़े से, अब इसमें जैसे अब आएंगे थोड़े रिच फ्लावर्स क्योंकि मौसम अच्छा आ रहा है। अब मैंने देखा कि फ्लावर आ रहे हैं तो अब मैं थोड़ी सी इसकी केयर करूंगी। तो बस ये क्या है कि ब्लैंकेट फ्लावर भी कहते हैं इसके, एक पूरा एक कवर कर लेता है, पूरा लगाते हैं ना फ्लावर बेड में तो पूरा एक ब्लैंकेट लगता है जैसे येलो कलर का या रेड कलर का जैसे भी फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इसके ब्लैंकेट फ्लावर भी कहते हैं इसको। और गर्मियों में जब और पौधे नहीं होते और अभी भी आप लगा सकते हैं इसको, बारिश आ रही है इसको लगाएं, अक्टूबर तक ये अच्छा फ्लावरिंग करेगा और बहुत इजी सा पौधा है। यूं कहीं भी आपको जैसे आपके वो कहीं गार्डन वगैरह में लगे हुए होंगे गर्मियों की पौध, तो उसके बीज लाके आप लगा सकते हैं आसानी से। अभी भी सूखे फ्लावर लाके उनको लगा दें, गर्मी बरसात आ रही है पौधे निकल आएंगे और लग जाएंगे आपके और खूबसूरत हुए लग। इससे बहुत हैवी हैवी फ्लावर आता है इसका, ही तो भी छोटा सा पौधा है। तो फ्रेंड्स अगर गिलाड़िया आपके पास नहीं है तो लाके लगाइए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो करीब करीब जो वीडियो डालती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं डेली डालती हूँ एक वीडियो। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाय।